पुडुचेरी मुक्ति दिवस हर साल 1 नवंबर को भारत के केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में मनाया जाता है। कुछ वक्त पहले तक पुडुचेरी को पौंडीचेरी के नाम से भी बुलाया जाता था। 17वीं शताब्दी में एक लंबे दौर तक पुडुचेरी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था। पुडुचेरी के अलावा चंद्रनगर, माहे, यनम, कराईकल और मसूलीपट्टनम भी फ्रांसीसी उपनिवेश का हिस्सा थे। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद पुडुचेरी में भी आजादी का आंदोलन तेज हो गया तथा 7 और वर्षों के संघर्ष के बाद पुडुचेरी की जनता भी विदेशी शासन से मुक्त हो गई। आपकी जानकारी के लिए, भारत ने जून 1948 में फ्रांस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे जिसने स्थानीय जनता को अपना राजनीतिक भविष्य तय करने की शक्ति प्रदान की थी। अक्टूबर 1948 में पौंडीचेरी, कराईकल और यनम में नगरपालिका चुनाव हुए। इन चुनाव के बाद एक को छोड़कर सभी नगरपालिकाएं फ्रेंच इंडिया सोशलिस्ट पार्टी के कब्जे में आ गईं। 18 मार्च 1954 को कार्यकारी परिषद के सदस्यों, पौंडीचेरी के महापौरों और समीप के 7 कम्यूनों ने जनमत संग्रह के बिना भारत में विलय करने की घोषणा की। भारत में शेष 4 फ्रांसीसी कॉलोनी के हस्तांतरण के लिए 21 अक्टूबर 1954 को समझौते पर हस्ताक्षर किए गए जो 1 नवंबर 1954 को प्रभावी हुए। फ्रांस और भारत के बीच एक संधि भी दर्ज की गई जिसके तहत पौंडीचेरी, कराईकल, माहे और यनम का भारतीय संघ में विलय तय हुआ। इस संधि पर तत्कालीन फ्रांसीसी राजदूत स्टेनिस्लॉस ऑस्टरोग और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने हस्ताक्षर किए थे जो विदेशी मामलों के केंद्रीय मंत्री भी थे। फ्रांसीसी सरकार ने अपनी संसद में संधि की पुष्टि करते हुए कानून पारित किया और 16 अगस्त 1965 को पुडुचेरी डी ज्यूर यानी फ्रांसीसी शासन से मुक्त हो गया।